हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा इज अ वेरी इजी टू यूज टूल जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अमेजिंग डिजाइंस बना सकते हो एंड दैट टू फॉर फ्री। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन यूज कैनवा टू क्रिएट योर ओन स्टनिंग डिजाइंस। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये वाला थंबनेल बनाएंगे जो इसी सेम वीडियो में यूज होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको कैनवा के लिए साइन अप कर लेना है। You have different methods to sign up in Canva, that is Google, Facebook, या आप अपना email use कर सकते हो। तो I'm just gonna go ahead और मैं Google से sign up करूँगा। So once you are in your account, आपको ऐसा कुछ interface देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपको decide करना है कि आपको बनाना क्या है, because with Canva you can literally create everything you can imagine, from Instagram post to presentation to whiteboard and to YouTube thumbnails, everything you can imagine. So हमें से ज़्यादातर लोग Canva को social media purposes के लिए use करेंगे। So let's just go and create an Instagram post first to understand the basics. अब एक post बनाने के लिए, एक design ready करने के लिए आपके पास दो तीन options होते हैं। First is you can just go ahead और यहाँ पर से आप अपना choose कर सकते हो आपको क्या बनाना है, your Instagram post और poster और logo whatever। या फिर आप यहाँ जा सकते हो create a design पर। यहाँ क्लिक करने पर आपको वही सारे सेम ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट योर इंस्टाग्राम पोस्ट का डिज़ाइन। बट इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक फोटो दैट यू वांट टू एडिट, तो आपको यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करके यहाँ एडिट फोटो पर क्लिक करना है। एंड देन यू हैव टू जस्ट चूज अ फोटो विच यू वांट टू एडिट एंड इट विल ऑटोमेटिकली ओपन दैट फोटो फॉर यू टू एडिट। एंड यहाँ पर आप कुछ चेंजेस उस फोटो में कुछ चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप उस फोटो के कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। यू कैन क्रॉप दैट फोटो फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया एंड यू कैन ऑल्सो एड सम इफेक्ट्स। यहाँ पर से आप उसमें कुछ इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। सो दैट्स हाउ यू एडिट अ फोटो इन कैनवा। बट लेट्स जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट समथिंग इन कैनवा। सो लेट्स से हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, तो विल क्लिक ऑन दिस इंस्टाग्राम पोस्ट ऑप्शन एंड इट विल ऑटोमेटिकली ओपन अप अ न्यू टैब, और जहाँ पर हमें पूरा ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर यू कैन क्रिएट योर इंस्टाग्राम पोस्ट। साइज विल बी एग्जैक्टली जो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है, दैट इज 1080x1080 एंड से इसका साइज भी सेम होगा। सो इफ़ यू लुक एट योर लेफ्ट साइड आपको ऐसा पैनल देखने को मिलेगा, और एंड यहाँ पर से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन ऐड स्टफ एंड यू कैन एडिट स्टफ एंड यू कैन ऐड टेक्स्ट, जो भी आप करना चाहते हो वो इस लेफ्ट पैनल से होगा। बीच में इज योर वर्क एरिया, यहाँ पर आप अपना डिज़ाइन क्रिएट करोगे। ऊपर की तरफ आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे लाइक शेयर, यहाँ पर से आप अपना डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हो, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर इनके कुछ और ऑप्शंस होते हैं लाइक प्रिंट योर डिज़ाइन एंड सम अदर स्टफ। यहाँ पर से आप QR भी जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट पर लिंक कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। यू कैन डू डिफरेंट स्टफ विद दिस, इट्स वेरी पावरफुल। ऑल्सो यहाँ से आप अपना डिज़ाइन किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विद समवन एल्स, तो जस्ट आपको उनका यहाँ पर ईमेल डालना है एंड दैट पर्सन कैन ईजिली एक्सेस दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन, सो दैट आप दोनों उस डिज़ाइन पर सेम टाइम पर काम कर रहे होंगे। सो दैट्स वेरी हेल्पफुल। द फर्स्ट ऑप्शन इन दिस लेफ्ट पैनल इज टेम्पलेट्स। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स फॉर एवरी पर्पज। आपकी हर पर्पज़ के लिए आपको कोई ना कोई टेम्पलेट मिल जाएगी। एंड ऊपर की तरफ आप चेक करोगे तो आपको ऐसा कुछ टैग्स मिले होंगे जिनको यूज़ करके आप स्पेसिफिक टाइप की टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें स्कूल से रिलेटेड अगर कोई टेम्पलेट चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट दिस स्कूल रिलेटेड टेम्पलेट्स। जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पर ये जो प्रो वाला आइकन है, दैट मीन्स कि दिस इज अ पेड वर्जन, ये आपको सिर्फ कैनवा प्रो के साथ मिलेगा। उसके अलावा इसमें बहुत सारे फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर ऑल फ्री। ये जिसमें से ये क्राउन बनाया, दैट ओनली इज अ पेड ऑप्शन। सो जस्ट क्लिक ऑन एनीथिंग दैट यू लाइक। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी लाइक दिस वन, सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा इस पूरे डिजाइन को आपके वर्क एरिया पे। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ यू एडिट दिस टेम्पलेट। दिस इज टेम्पलेट, आप इसको आपको अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड डबल क्लिक करने से आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड जस्ट राइट व्हाटएवर। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ लिख दिया, यू कैन राइट दिस। आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, जस्ट गो हियर एंड यहाँ पर से आप डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। सेम गोज हियर कि यहाँ पर ये जो क्राउन वाला ऑप्शन, येलो कलर का जो ये मार्क बना है, दैट मींस दे आर पेड फॉन्ट्स, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते अनलेस यू हैव अ कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन। एंड इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं दैट यू कैन यूज़। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू यूज़ दिस, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंड यू कैन एडिट दैट अकॉर्डिंगली। एंड सेम हेयर, आप इस तरह से सारे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एड सम इफेक्ट्स टू दीज टेक्स्ट। सो लेट्स से आप इस फॉन्ट्स में कुछ और यूनिक करना चाहते हो, कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हो, तो जस्ट सेलेक्ट दिस फॉन्ट। यहाँ पर आपको इफेक्ट्स में जाना है
एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप इसको कर्व कर सकते हो, ऐसा नियॉन डिज़ाइन दे सकते हो, ग्लिच इफेक्ट दे सकते हो। सो लेट्स से आई वांट टू ऐड अ ड्रॉप शैडो टू इट, मैं इस ड्रॉप शैडो पर क्लिक करूँगा। सो यू विल सी कि इसमें एक ड्रॉप शैडो आ चुकी है इफ़ यू लुक क्लोजली राइट हियर। इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। लेट्स से इसको रेड कलर देना, तो हम इसका रेड कलर का एक ड्रॉप शैडो दे सकते हैं। एंड यू कैन चेंज द डायरेक्शन, यू कैन चेंज द ऑफसेट, यू कैन चेंज द ट्रांसपेरेंसी, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द ब्लर। सो यू गेट समथिंग लाइक दिस। बाय द वे, वैसे जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो जस्ट हिट कंट्रोल, आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना है एंड अपने माउस व्हील को स्क्रोल करना है अप एंड डाउन, एंड इस तरह से आप अप एंड डाउन कर सकते, जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू एडिट द टेक्स्ट इन फॉन्ट्स इन टेम्पलेट्स। सो अगर आप इसके पीछे की इमेज हटाना चाहते हो तो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड हिट बैक स्पेस, ये इस इमेज को हटा देगा। अब यहाँ पर आप या तो आप यहाँ पर सिंपल कलर्स यूज कर सकते हो लाइक दिस, और वट यू कैन डू इज गो टू दिस एलिमेंट्स वाला सेक्शन एंड यहाँ पर आपको फोटोज मिल जाएंगी बहुत अच्छी अच्छी। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल समथिंग रिलेटेड टू स्कूल, तो स्कूल अगर आप टाइप करोगे तो यू गेट दिस डिफरेंट ऑप्शंस। आपको स्कूल से रिलेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे, तो ये देखो आपको यहाँ पर सारे जो हैं स्कूल से रिलेटेड ग्राफिक्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप फोटोज़ वाले सेक्शन पर जाओगे तो आपको स्कूल से रिलेटेड फोटोज़ मिल जाएंगी बहुत अच्छी अच्छी, एंड यू ऑल्सो गेट वीडियोज़ फ्रॉम हियर, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ एन ऑडियो सेक्शन एज वेल, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ म्यूजिक मिलता है, बट दिस इज़ ऑल लाइक प्रो वर्जन वाला। सो आप फोटोज़ वाले सेक्शन में जाओगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ फोटोज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टर्म जो स्कूल हमने टाइप किया था यहाँ पे। सो लेट्स से मुझे ये वाली फोटो पसंद आ रही है, मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ अपने डिज़ाइन के बैकग्राउंड में, तो लेट जस्ट क्लिक ऑन इट। नाउ टू ऐड दिस फोटो डायरेक्टली टू द बैकग्राउंड यू कैन डू टू थिंग्स, आप यहाँ पर इसे रिसाइज करोगे लाइक दिस सिंपल ड्रैग करके, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बट इसके अलावा एक सेकेंड ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हो वो है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही पूरे बैकग्राउंड को उस इमेज को जो है अपसाइज करके उस बैकग्राउंड को फिल कर देगा। ये बहुत हेल्पफुल है उन सिचुएशंस में जहाँ पर आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसमें, तो आपको क्विकली अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है किसी, तो आप ये ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट ऐड वन मोर टेम्पलेट, उसमें कुछ और चीज़ें एडिट करके देखते हैं। अब आपको इफ़ यू वॉन्ट कि इसमें आप कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो या कुछ और टेक्स्ट, बिकॉज आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिला हुआ है। नाउ इफ़ यू वॉन्ट कि आप और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यू हैव दीज थ्री ऑप्शन अलॉन्ग विद दीज टेम्पलेट्स एज वेल। अगर आप बहुत फैंसी कुछ करना चाहते हो तो यू कैन लुक एट दीज, यहाँ पर भी कुछ अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी जो फ्री हैं एंड सम ऑफ देम आर पेड। एंड उसके अलावा मेन है जो आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलते हैं, एड अ हेडिंग, सब हेडिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स लेट्स जस्ट ऐड अ हेडिंग एंड लेट्स एडिट समथिंग। सो दिस इज़ हाउ यू ऐड अ टेक्स्ट, आप इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, यू कैन प्लेस इट जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, यू कैन आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। ऑल्सो फॉन्ट में एक चीज़ आप और कर सकते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का फॉन्ट चाहिए तो यू कैन जस्ट टाइप हेयर, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जैसे ही आप इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हैंड राइटिंग जैसा कुछ फॉन्ट चाहिए आपको, जिस हैंड राइटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट्स मिल जाएंगे। और इफ़ यू वांट कि आपको थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल टेक्स्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो हमें कुछ हैंड राइटिंग जैसा कुछ चाहिए, कुछ ऐसा फॉन्ट्स ले सकते हैं जो भी हमें पसंद आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट यूज़ दिस वाटर लिली टेक्स्ट, या दिस लुक्स गुड, तो वी कैन यूज़ दिस फॉन्ट। अब इसको आप एडिट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट फ्रॉम हियर। और ऑल्सो एक चीज़ जो कैनवा में बहुत अच्छी होती है वो है कि फ़ोटो कलर्स, कैनवा ऑटोमेटिकली आपके फ़ोटो के कलर्स को डिटेक्ट कर लेता है सो दैट आपको कहीं और से कलर्स के कोड्स नहीं लाने पड़ते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फोटो कलर्स में आप चेक करोगे तो कैनवा ने ऑलरेडी इस फोटो में जितने पहले से कलर्स थे उनको डिटेक्ट करके एक आपको पैलेट दे दिया है, तो आप यहाँ से अपने डिज़ाइन के लिए कलर्स चूज़ कर सकते हो जो बिल्कुल सिंक्रोनाइज करेंगे आपके बाकी के डिज़ाइन के साथ। ऑल्सो इफ़ यू वांट ऐड सम ग्राफिक एलिमेंट्स, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो लेट्स से हमने यहाँ पर स्कूल टाइप किया था, अब आप यहाँ पर ग्राफिक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें ये बैग ऐड करना है तो जस्ट क्लिक ऑन इट और आपको एक बैग मिल जाएगा, अब आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इस तरह से आप सिंपल एक एलिमेंट यूज़ कर सकते हो जो अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड मोर पेजेस टू योर प्रोजेक्ट, अगर आप हमने सपोज हमने ये सेम प्रोजेक्ट खोल रखा है, इसमें भी हमारे पास दो पेजेस हैं,
अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, विच इज़ द फर्स्ट वन इज़ द लॉक पेज। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो देन आप इस डिज़ाइन में कुछ और चेंजेस नहीं कर सकते, ये अपने आप को लॉक कर लेगा एंड कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं कर पाओगे, सो दैट आप गलती से इस डिज़ाइन को बिगाड़ ना दो, अनलॉक करके यू कैन मेक द चेंजेस। सेकेंड वन इज डुप्लीकेट पेज, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इट विल डुप्लीकेट द एंटायर डिज़ाइन, तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो ईजिली। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको डिलीट पेज करने का, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है एंटायर पूरा डिज़ाइन वो डिलीट हो जाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू ऐड अ पेज, ऐड अ पेज के आप चेकआउट करोगे तो दो ऑप्शन होते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, जहाँ पर से भी आपको सही लगे आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो। सो जस्ट ऐड अ पेज एंड आपको एक पेज यहाँ से मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयरिंग एंड पोजिशनिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड किया एंड नाउ आप चाहते हो कि ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के पीछे हो, इसकी पोजीशन बेसिकली आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शंस पर आना है। यहाँ पर पोजीशन पर आप चेक करोगे तो आपको अलाइन के भी ऑप्शंस मिलेंगे एंड इसकी पोजीशन फॉरवर्ड आगे करनी है पीछे करनी है उसके भी ऑप्शन मिलेगा। अभी क्योंकि ये सबसे फ्रंट पर है तो फॉरवर्ड का ऑप्शन इज ग्रेड आउट, बट आपको इसे पीछे भेजना है तो जस्ट क्लिक ऑन बैकवर्ड, ये बोर्ड के पीछे चला गया, और पीछे जाएगा तो पूरा डिज़ाइन के पीछे चला गया। अभी एलिमेंट ये एलिमेंट वहीं पर है बट पूरे डिज़ाइन के पीछे जा चुका है। आप इसे सामने लाना चाहते हो तो क्लिक ऑन फॉरवर्ड एंड अगेन प्रेस करोगे तो वो आगे आ जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ योर एलिमेंट्स। ऑल्सो इसके अलावा अगर आप इसे अलाइन करना चाहते हो पेज के साथ, तो इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग इट आउट, आप इसे ड्रैग करके इधर उधर ले जाने से अच्छा है यू कैन यूज़ दिस, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप इसे टॉप के साथ अलाइन करना चाहते हो, क्लिक ऑन टॉप, टॉप लेफ्ट में, या फिर टॉप मिडिल एंड लेफ्ट मिडिल, और यू कैन यूज़ सेंटर, आप बॉटम में अलाइन कर सकते हो, राइट में अलाइन कर सकते हो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, आप मिडिल सेंटर कर सकते हो, ऐसे आप कॉम्बिनेशन में इसे अलाइन कर सकते हो, इट्स वेरी हेल्पफुल। नाउ लेट्स से कि आपके पास ये तीन पेजेस हैं, नाउ फॉर सेम रीज़न आप चाहते हो कि ये वाला पेज ऊपर हो एंड ये वाला नीचे हो, तो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे एरोज देखने को मिलेंगे, ये एरोज की वजह से आप इन डिज़ाइन को ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पेज थ्री ऊपर चला जाए तो जस्ट क्लिक ऑन दिस मूव अप ऑप्शन, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये सेकेंड पोजिशन पर। अगर आप इसे फर्स्ट पे ले जाना चाहते हो, आप इसे मूव आप एक और बार क्लिक करोगे तो टॉप पे आ जाएगा, बाकी डिज़ाइन उसके नीचे चले जाएंगे। इस तरीके से आप सारे डिज़ाइंस को अरेंज कर सकते हो। सपोज़ आपने कोई डिज़ाइंस ऊपर नीचे बना दिए हैं एंड नाउ यू वांट टू अरेंज देम इन ऑर्डर, तो आप इस तरीके से अपने डिज़ाइंस को अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा कैनवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विच यू कैन यूज़ टू इम्प्रूव योर डिज़ाइंस और टू मेक योर लाइफ ईजियर, सो लेट्स जस्ट लुक एट दोस। अगर आप इस एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे आओगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, अगर आप यहाँ पर आपको एक फ्रेम्स वाला सेक्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे प्लेस होल्डर्स होते हैं जिस पर आप अपनी इमेजेस को अलग अलग ढंग से क्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस फ़ोन वाले सेक्शन पर अगर जाओगे, अब मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोन के अंदर मेरी इमेज हो, तो अगर हम लेट्स यहाँ पर से एक इमेज लेके आते हैं, यहाँ पर से आप अपनी इमेज ली, अब आप ये वाली इमेज को इसके अंदर लगाना चाहते हो तो जस्ट ड्रैग इट, और आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो इस इमेज को एंड ये वाली इमेज आपके फ़ोन के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से आप फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हो। फ्रेम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आप बड़े डिज़ाइंस बना रहे हो एंड आपको स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर टाइप अपनी फ़ोटो चाहिए उस टाइम पर, तो बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। कैनवा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप इवन टेक्स्ट जैसे फ्रेम्स भी हैं आपके पास, न्यूमेरिकल फ्रेम्स भी हैं एंड यू हैव दीज मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। लेट्स से इफ़ यू वांट टू क्रिएट इन्फोग्राफिक्स, तो आपके पास चार्ट्स का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ एलिमेंट्स में ही चार्ट्स वाले सेक्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सी ऑल पे एंड आपको ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। आपको लेट्स से अगर आपको एक पाई चार्ट बनाना है तो क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट एंड यहाँ पर आप डेटा भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ आइटम वन जो हो वो 50% पे हो एंड बाकी 5% ये वाली 15% एंड ये वाली 8% एंड दिस विल गो 2%। सो इस तरीके से आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो, आप इनका नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से, दिस इज मार्केट वन, दिस इज मार्केट टू, दिस इज मार्केट थ्री, दिस इज मार्केट वो एंड दिस इज मार्केट फाइव, यू गेट द आइडिया। इस तरीके से आप अपने इन्फोग्राफिक्स को बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली एंड आप यहाँ से अपने कलर्स को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस देता है यहाँ से, यू कैन चूज फ्रॉम दीज डिफरेंट कलर ऑप्शंस। आप इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप इस तरीके के बार ग्राफ्स बना सकते हो, यू कैन मेक पीपल ग्राफ्स, यू कैन मेक दीज टाइप ऑफ ग्राफिक्स
नाउ एक और चीज़ आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी सेलिमेंट्स वाले सेक्शन में, दैट इज़ कि आपके पास एक कलेक्शन है 3D ग्राफिक्स का. अगर आप यहाँ पर चेक करो, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स होते हैं यहाँ पर कैनवा में. तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपके पास सिंपल फ्रेंडली 3D टीचर ग्राफिक्स हैं. तो अपने डिज़ाइंस को और ज़्यादा 3D और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इन ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो. आपको ऐसे मिनिमलिस्टिक लाइन ग्राफिक्स चाहिए तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हो. आपको किसे ग्रिड बनाना है तो यू कैन यूज़ दिस. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस अपलोड सेक्शन, तो यहाँ पर आप अपने खुद के इमेजेस और एलिमेंट्स को अपलोड कर सकते हो. को यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ से अपलोड फाइल्स में जाके उस फाइल को लोकेट करके यू कैन अपलोड इट. और व्हाट यू कैन डू इज ब्राउजर्स में ऑप्शन होता है, यहाँ पर डाउनलोड्स नीचे शो कर रहा होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो फाइल अपने आप यहाँ पर अपलोड हो जाएगी. एंड देन आपको उस पर क्लिक करना है एंड लेट्स से इसे बैकग्राउंड बनाना है तो रिप्लेस बैकग्राउंड, और ये आपका बैकग्राउंड बन जाएगा. ऑल्सो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ आप इस बैकग्राउंड के साथ कर सकते हो, वो है आप इसकी ओपेसिटी / ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल कर सकते हो. आपको इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पर जाके आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो. अभी हमने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लूइश चूज किया, अगर लेट्स से अगर इसे ब्लैक करेंगे तो इस तरीके का हमें इफेक्ट देगा. आप इस तरीके से हर एक एलिमेंट की ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो, अब इनकी भी कंट्रोल कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज़ आप इस डिज़ाइन को लॉक कर सकते हो. लेट्स से आई वांट, मैं चाहता हूँ कि अब ये कैरेक्टर यहाँ से हिले नहीं गलत कभी भी, मैं बाकी जो भी मैं करता रहूँ, तो आप इस कैरेक्टर पर क्लिक करके यहाँ पर लॉक का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये अपनी जगह से आप हिलेगा नहीं अनटिल अनलेस आई अनलॉक इट. यहाँ से आप इस पर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. नाउ इफ आई अनलॉक इट तभी मैं आप इस पर चेंजेस कर पाऊँगा. इसके अलावा आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर. आप फ्लिप कर सकते हो अपने डिज़ाइन, अपने कैरेक्टर्स को, एलिमेंट्स को आप क्रॉप कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो एडिट, यहाँ पर से आप कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर से डाल सकते हो. लेट्स से आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. लेट्स से आई वांट टू यूज़ दिस. इस तरीके से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक्स क्रिएट कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में. आप यही सेम चीज़ इमेजेस के साथ भी कर सकते हो. आप यहाँ पर फिल्टर्स में जाकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. आप अलग अलग टाइप के लुक्स क्रिएट कर सकते हो बेसिकली. ऑल्सो आप यहाँ पर से इमेज को एडजस्ट कर सकते हो, आपकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, आपका सैचुरेशन, आपका टिंट, ब्लर, आप ये सब चीज़ें भी एडजस्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स से मैंने एक लोगो ऐड किया है अपने डिज़ाइन में. अब मैं चाहता हूँ इस लोगो में कुछ नेसेसरी चेंजेस जो हम सब चाहते हैं कि कैसे होते हैं उसमें. लेट्स से हम इस लोगो में ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ एडिट इमेज पर जाना है एंड यहाँ पर आपको एक शेडोज़ का ऑप्शन मिलेगा. आप यहाँ पर अलग अलग टाइप की शेडो ऐड कर सकते हो. एग्जाम्पल, आपको अगर ड्रॉप शेडो ऐड करनी है तो आप इस ड्रॉप शेडो में क्लिक करोगे एंड ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप शेडो ऐड हो जाएगी. एंड आप इसे इसके स्पेसिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, इसका ऑफसेट कितना होना चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो. एंगल, किस एंगल पर वो ड्रॉप शेडो होगी. यू ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो एंड उसका ब्लर आप कंट्रोल कर सकते हो. आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा. इसके अलावा एक इमेज को एडिट करने के लिए आपके पास और भी बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं आपको कैनवा में. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डुओ टोन इफेक्ट मिलता है. इसे आप बहुत इंटरेस्टिंग लुक्स बना सकते हो अपने डिज़ाइन के लिए. यू हैव दिस पेंट इफेक्ट्स, यू हैव बैट टीवी, बेसिकली यू कैन गो ऑल आउट. आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो कुछ से. इसके अलावा आपको एक बैकग्राउंड वाला सेक्शन मिलता है अपने लेफ्ट पैनल पे. यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड्स अपने डिज़ाइन के लिए चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा कुछ बैकग्राउंड चाहिए तो इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई दैट बैकग्राउंड टू योर डिज़ाइन. आपके डिज़ाइन के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली अप्लाई भी कर देगा उस डिज़ाइन को. कैनवा ऑल्सो हैव लॉट ऑफ हिडन फीचर्स. अगर आप इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स देखने को मिलेंगे जो आप कैनवा से कनेक्ट कर पाओगे एंड उसका यूज़ करके आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस ब्रांड फेच वाला ऐप, यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आप इसके यूज़ पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपको हर एक कंपनी के, हर एक बड़ी कंपनी के आपको लोगोज निकाल के देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ आइकिया, तो ये मुझे आइकिया का लोगो भी दे देगा. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का लोगो चाहिए तो आपको उस वेबसाइट का लोगो यहाँ पर डालना है एंड वो उस वेबसाइट का भी लोगो आपको निकाल के दे देगा. फिर यहाँ पर हम जूम का यहाँ पर लोगो ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दैट जूम एंड ये उसका लोगो ऐड कर देगा. सेम गोज विद एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, जिसका भी आप लोगो बनाना चाहते हो आप इस तरीके से लोगो ढूंढ सकते हो. इसके अलावा आपके पास इमोजी वाला एक ऐप होता है, यहाँ पर आप हर तरीके के इमोजीज ढूंढ सकते हो अगर आप अपने डिज़ाइन में इमोजीज लगाना पसंद करते हो. एंड यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट ऐप्स टू चूज फ्रॉम. नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कैनवा ऑफर करता है वो है एनिमेशंस. ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेट का, इस पर क्लिक करना है एंड आपको बहुत सारे एनिमेशन के प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सिंपल वाले एनिमेशन पर क्लिक करोगे तो आपकी इमेज पूरी इस तरीके से एनिमेट होती दिखेगी। और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू एनिमेट योर डिज़ाइन। यू हैव बेसिक, यू हैव पैन, फेड, वाइप। इस तरीके से आप अपने डिज़ाइंस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो अगर आप किसी सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट करने वाले हो तो। नाउ यू कैन जस्ट प्ले विद दीज एंड आपको कौन सा पसंद है यू कैन जस्ट यूज़ दैट इन योर डिज़ाइन। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव ऑल एनिमेशंस का, तो आप यहाँ से सारे एनिमेशन को रिमूव कर सकते हो। आप अपने एनिमेशन की टाइमिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड का होता है बट आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, द मैक्स इज 30 सेकंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्सपोर्ट दिस डिज़ाइंस। आपने एक डिज़ाइन बना लिया, अब आप इसे एक्सपोर्ट कैसे करने वाले हो? तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पर आपको शेयर पर जाना है एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। नाउ कैनवा प्रो में आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और फाइल कंप्रेस करने का, बट सिंस अभी हम कैनवा प्रो यूज़ नहीं कर रहे तो आपको पहले तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। कैनवा आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सिंस अभी इसने PNG सेलेक्ट किया है जो कि सही है, हमें PNG ही चाहिए था अपने डिज़ाइन के लिए, तो हम इसी को सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद अपने पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारे पेजेस एक साथ डाउनलोड हों, ऑल पेजेस पर इसे रहने देना है आपको। इसे होगा क्या कि आपको ये zip फाइल बना के पूरा सारे डिज़ाइन उस पर डाल के आपको डाउनलोड करके दे देगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक पेज डाउनलोड करना है तो आपको इस ऑल पेजेस के ऑप्शन से क्लिक हटाकर आपको वो वाला पेज चूज करना है जो आपको डाउनलोड करना है। लेट्स से मुझे पेज 1 ही डाउनलोड करना है तो मैं पेज 1 पे क्लिक करूँगा एंड आई क्लिक ऑन डन। उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड ये अपने आप आपके डिज़ाइन को डाउनलोड कर देगा। आप यहाँ पर सेव कर सकते हो एंड आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। नाउ लाइक एनी अदर फोटो एंड वीडियो एडिटर, कैनवा भी बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू मेक योर वर्क फ्लो फास्टर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। ये कैनवा का ही एक ब्लॉग है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। एडा इन सबका यूज़ कर सकते हो टू मेक योर वर्क फ्लो फास्टर। So that's it for today's guys. Let me know in the comments what tutorial would you like to see the next. And for more such videos, subscribe to our channel TechStrix and hit the bell notification so you never miss any updates from us. We'll see you in the next video.